जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए 22 अगस्त शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और हस्त नक्षत्र। इस समय चंद्रमा कन्या राशि में रहने वाला है और वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य इस समय सिंह राशि में रहेगा। तो आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा इसके बारे में हम जानेंगे। आज हम बात करेंगे आपकी फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, जॉब के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए। और बात करेंगे आज के दिन को महत्वपूर्ण बनाने के उपाय के बारे में। साथ ही बात करेंगे शुभ समय की, जिसमें आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं। और वहीं बात करेंगे राहु काल की, तो राहु काल में किसी भी शुभ काम की शुरुआत भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो काम आपके पूरे नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले बात करें आपकी फैमिली के बारे में। आज आपकी फैमिली के लिए बेहतर दिन कहा जा सकता है। इस समय फैमिली का माहौल बेहतर देखने को मिल रहा है। फैमिली में बहुत ही हर्ष का माहौल रहेगा, यानी आज का दिन आपकी फैमिली को लेकर बेहतर दिन कहा जा सकता है। बात करें दाम्पत्य जीवन की, आज का दिन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बेहतर दिन कहा जा सकता है। इस समय आपस के रिश्ते बहुत ही मधुर रहेंगे। बात करें आपके संतान पक्ष की, आज का दिन संतान पक्ष की तरफ से सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बात करें आपके लव लाइफ की, आज का दिन आपकी लव लाइफ को लेकर बेहतर दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज आप बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में रहेंगे। अपने लव मेट के साथ बहुत ही हंसी मजाक और खुशी के साथ समय व्यतीत करेंगे। आज का पूरा दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है और आज के दिन आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, यानी कि आपकी शादी से संबंधित बातचीत भी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बात करें आपके स्वास्थ्य की, आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। इस समय आप छोटी मोटी तकलीफ होने पर भी डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो सके। वैसे आज के दिन आपको मौसम से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बात करें आपकी एजुकेशन की, आज विद्यार्थियों को बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। शिक्षा को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। बात करें बिजनेस और व्यापार की, तो आज का दिन बिजनेस और व्यापार के लिए बेहतर दिन कहा जा सकता है। आज के दिन आपको अपने बिजनेस में फायदे हो सकते हैं, लाभ प्राप्त हो सकता है। आज आपको बिजनेस और व्यापार में भाग्य का भरपूर साथ मिलने जा रहा है। आज का पूरा दिन बिजनेस और व्यापार को लेकर बेहतर दिन कहा जा सकता है। बात करें आपकी जॉब की, तो आज का दिन आपकी जॉब के लिए बेहतर दिन कहा जा सकता है, क्योंकि आज के दिन आपको कोई ऑफर भी मिल सकता है। कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, जो आपके पूरे दिन को बेहतर बना देगा। आज का पूरा दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। बात करें आपकी फाइनेंशियल स्थिति की, तो आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति में किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो सके। इससे आपका फाइनेंशियल स्थिति को लेकर दिन बेहतर कहा जा सकता है। बात करें यदि उपाय की, तो आज आप ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें और साथ ही किसी गरीब को भोजन करा दें। ऐसा करने से आपके रुके हुए कामों में गति आएगी और साथ ही आपको फाइनेंशियल स्थिति में बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगी। बात करें यदि शुभ समय की, तो आज का अभिजीत मुहूर्त 12:04 से शुरू होकर 12:54 के बीच रहने वाला है। वहीं अमृतकाल की बात करें तो 1:45 से शुरू होकर 3:12 तक अमृतकाल का योग होगा। इस समय किसी भी शुभ काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। बात करें अशुभ समय की, यानी राहु काल की, तो सुबह 9:19 से शुरू होकर 10:54 के बीच में किसी भी शुभ काम की शुरुआत आप भूलकर भी ना करें, क्योंकि इस समय में राहु काल यानी कि अशुभ समय रहने वाला है। इस समय शुरू किए गए कामों में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, जाना आपने 22 अगस्त शनिवार का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है।